तो दगड़ियों कंचा तुम लोग, आशा करो तो आप सभी बढ़िया वेला, जग भी वेला, तो मैं भी एकदम बढ़िया छो। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैंने करी दी है, तो वीडियो को आगे देखने से पहले जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू करिए, है ना। तो दोस्तों कल से ना मौसम बिल्कुल चेंज हो रखा है, मतलब कल सुबह से एकदम अचानक से बादल आ गए और उसके बाद इतनी भयंकर ठंड हो गई थी, तो क्या ही बोलें। तो आज भी ठंड काफ़ी है, पीछे आप बादल देख सकते हैं, बादल लगे हुए हैं, लेकिन धूप आ रखी है। कल तो धूप भी नहीं थी, मतलब थी हल्की थी, आज धूप है बट हवा चल रही है एकदम ठंडी ठंडी, तो ठंड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है हमारे पहाड़ों में। खैर ये तो आम बात है, मौसम का ऐसे चेंज होना ये तो लगा ही रहता है। जैसे कि अभी मॉर्निंग का टाइम है ना, सुबह का समय है, तो मैंने अभी नाश्ता भी नहीं किया है, इसके थोड़ी देर बाद मैं नाश्ता करूँगा, उससे पहले मैं वीडियो की शुरुआत कर लेता हूँ, है ना। आजकल हमारे गांव में क्या हो रहा है, आज का व्लॉग मैं इसी के ऊपर रखूँगा कि क्या कुछ हमारे गाँव में हो रहा है आजकल, और अपनी जो एक्टिविटीज़ रहती है दिन भर की वो आपके साथ शेयर करूँगा, है ना। तो आजकल सारे लोग अपने कामों में व्यस्त हो रखे हैं और उसी के कारण मैं व्लॉग नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि काम पड़ जाते हैं कई, बट आज का दिन काफ़ी एकदम मस्त रहने वाला है, तो वीडियो को ज़रूर आगे देखिए। तो चलिए फिर मैं खाना खा लेता हूँ, तो चलिए फिर चलते हैं। आज मैं आपको बताता हूँ कि नाश्ते में क्या बना हुआ है। तो ये देखिए, ये है पिंडौल की सब्ज़ी, रोटी और चाय। अक्सर पहाड़ी लोगों ने ये पिंडौल की सब्ज़ी खाई होगी, तो जिसने भी खाई है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आजकल तो सभी खा रहे होंगे क्योंकि ये सब्ज़ी आजकल ही होती है ना। तो हम भी आजकल दबा के खा रहे हैं पिंडौल का साग, तो एकदम टन साग। तो चलिए फिर मैं अब खाना खाता हूँ और आगे की प्रक्रिया आपको बाद में बताई जाएगी। तो दोस्तों सारे लोग अपने कामों में व्यस्त हो रखे हैं, तो गांव में सारे लोग व्यस्त रहते हैं अपने कामों में। तो अभी मैं जा रहा हूं खेत की तरफ, तो खेत में दिखाता हूं क्या कुछ हो रखा है हमारे। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये है प्याज के पौधे। तो दोस्तों प्याज के पौधे भी लग चुके हैं, ये परसों ही लगाई थी हमने, और अब कुछ टाइम बाद फिर से इनको निकाल के खेतों में लगाएंगे जब ये ठीक ठाक बड़े हो जाएंगे। तो ये तो है प्याज के पौधे, तो यहाँ पे हमने प्याज और बंद गोभी के पौधे लगा रखे हैं, तो ये कुछ टाइम बाद बड़े हो जाएंगे खाने लायक, है ना। हाँ भाई क्या कर रहे हो, हाँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे गांव के कम गते लोग, दोनों ताई काम पे लगी हुई है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे ताई लहसुन की गुड़ाइयाँ कर रही है आजकल। तो बताइए जरा कौन कौन सी सब्जियाँ लगा रखी है आपने? आजकल हमने लहसुन लगा रखी है, अच्छा गोभी लगा रखी है, अच्छा और आलू लगा रखे है, अच्छा हरी प्याज के पत्ते है, अच्छा मूली है, मतलब काफी है सब्जी हो रही है इस बार, है पालक है, मेथी है, सब सब्जी बो रखी है हमने। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो ये जितना बड़ा खेत है इस पे सारे पे खेती होती है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और इतना लिपुंगड़ की लगा तुम्हार, इतना लपुंगड़ अच्छा आलू निकाल यार,
अच्छा फिर भी लगाया। तो ताई ने यहाँ पे नीचे वाले खेत पे हल्दू लगाया भी, उसके बाद निकाल भी दिया और फिर से लगा भी दिया। वाह वाह, दोबारा लगा दिया मतलब। अब बकरियों का चरने का समय भी हो चुका है और ये जितने पीछे आपको बकरियाँ दिख रही है ये सारी की सारी बकरियाँ हमारी है। और ये बकरियाँ चरने के लिए पास के ही जंगलों में जाती है और शाम के ठीक 3 बजे तक ये वापस चर के आ जाती है यहीं पे। बोला अरे गलत जगह भाग रही है। चलो चलो इधर, चलो 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 चलो। तो दोस्तों अगर खेती की बात की जाए हमारे गांव में तो काफ़ी अच्छी खेती इस बार हो रही है। जैसा मैंने आपको दिखा लिया है हर प्रकार के सब्जियां कुछ भी हो वो हमारे गांव में हो जाती है। बस इस बार आलू की खेती में थोड़ी सी कमी देखने को मिली, उसका एक यही रीज़न है कि जो ये ओस है इसका ज़्यादा गिरना, इसके कारण जो उसके आलू के पौध थे उसमें एक कीड़ी होती है, मतलब एक कीड़ा होता है ना, वो लगनी शुरू हुई। या फिर ओस के कारण जो उसके पत्ते थे वो मुरझा से गए थे और जितनी भी पौध थी आलू की ओस धीरे धीरे ख़त्म होने लगी थी। इसके कारण जितने भी लोगों के आलू के पौध थे वो सारे ख़राब से हो गए थे और जब उन्होंने निकाला तो आलू भी कमी निकले। और गांव में प्याज के जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो लगने भी शुरू हो चुके हैं, जिसको हम गढ़वाली में कहते हैं बिजवाड़। तो बिजवाड़ भी लग चुकी है सारे लोगों की, है ना। तो अब मैं भी ज़रा नदी जाने वाला हूँ कपड़े वगैरह धोने के लिए, तो नदी चलिए आप भी मेरे साथ। जो भी मैं वहाँ कैप्चर करूँगा वीडियो में तो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर चलते हैं। तो दोस्तों मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं तो ये है हमारे गांव की नदी। वैसे हमारे गांव में 2 नदी है, एक उस साइड है एक इस साइड है, तो हमारे लिए ये वाली सामने पड़ती है तो हम यहीं आते हैं। और अब मेरे पास थोड़े से कपड़े हैं धोने के लिए, कपड़े धोऊंगा थोड़ा सा नहाऊंगा और उसके बाद घर चलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों कपड़े तो मैंने धो लिए हैं, सुखाने के लिए भी मैंने डाल दिए हैं पुल पे, तो अब मैं नहाऊंगा और उसके बाद चलते हैं घर। तो दोस्तों चलिए फिर अब डुबकी लगाने का टाइम आ चुका है, यहाँ पे मारूंगा मैं डुबकी। और अगर पानी की बात की जाए तो पानी भी काफ़ी ठंडा नहीं है, मतलब नहाने लायक ठीक ठाक है। तो चलिए फिर अब मैं डुबकी लगाता हूँ। तो मैं रेडी हूँ, तो चलिए। यहाँ पे छोटा सा सब टाइप का बना रखा है हमने गर्मियों के सीज़न में, तो वक्त से इसमें हम डेली नहाते थे और
काफ़ी टाइम के बाद मैं नदी में नहाने के लिए आ रखा हूँ, तो चलिए फिर एक और डुबकी इसी बात पे। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं नदी से, तो मैं जस्ट अभी आया हूं, कपड़े उपड़े मैंने डाल दिए सुखाने के लिए, तो अभी मैं खाना खा रहा हूं। और खाने में आज दाल और भात देख सकते हैं हम, तो हम खा रहे हैं आज पहाड़ी दाल और भात। तो दोस्तों इसको मैं ख़त्म करता हूं और उसके बाद मैं सोने के लिए चला जाऊँगा क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है। तो फिर मिलूँगा आपको मैं शाम को, तो आगे का सीन आपको शाम को देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर खाना खा के चलता हूँ, आप भी खाना खाइए, बाय। तो दोस्तों शाम के 4 बज चुके हैं और चाय सुड़काई जा रही है। तो खाना खाने के बाद मुझे नींद आ गई थी और मैं सो गया था उसके बाद, तो अभी मैं जस्ट अभी उठाऊँ तो अभी मैं चाय पी रहा हूँ। तो अभी चाय का आनंद लिया जा रहा है, तो देखते हैं अब हम आगे क्या करते हैं। वैसे तो हम शाम को खेलते थे वॉलीबॉल, लेकिन आज जितने भी भाई लोग थे वो मच्छी मारने के लिए जा रखे हैं नदी में, तो मैं सिंगल अभी घर पे हूँ, तो पता नहीं वो कब तक आएंगे। तो वो तो सुबह के 11 बजे से निकल रखे हैं मच्छी मारने के लिए, बस अब आने वाले होंगे। तो जब वो आ जाएंगे तो आपको मैं मच्छी दिखाऊंगा कि कितनी मच्छी लाए वो, लाए या नहीं लाए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं वो? अब गड़बड़ी बोल, हेलो दगड़ियो कंचो तुम लोग। तो दोस्तों ये है हमारी दादी जी, वैसे तुमने पिछले व्लॉग्स में देखा होगा दादी जी को। तो दोस्तों आ चुकी है मच्छी अभी आज की, तो ये आज इतनी मच्छी लेके आ रखे हैं, नहीं मतलब 3 बंदे थे तो तीनों में बराबर बराबर हिस्सा करके ये 3 मच्छी, तो आज मच्छी अभी आ चुकी है काफ़ी टाइम बाद। तो दोस्तों आज की वीडियो को रखते हैं हम यहीं पे तक, आई होप आपको मज़ा आया होगा। तो जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलता हूँ मैं आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। तो चलिए फिर।